हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है अपने ट्रांसफॉर्मेशन का डे 63 और आज अपन हिट करने वाले हैं चेस्ट ट्राइसेप। कंप्लीट 6 डे वर्कआउट चलेगा ये अपना, मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज चेस्ट ट्राइसेप, कल बैक बाइसेप, फिर शोल्डर लेग्स, और इसी को रिपीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, वी हैव क्रॉस्ड 900 सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब एंड वी हैव क्रॉस्ड अराउंड 4 लाख व्यूज ऑन आर यूट्यूब चैनल। आज अपन अपनी कमियाँ मतलब लोअर चेस्ट और ओवरऑल चेस्ट ग्रोथ पे काम करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहे, सारी एक्सरसाइज प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं सीधे वर्कआउट पे, लेट्स गो। तो फर्स्ट रहने वाला है अपना यूनिलेटरल मूवमेंट, इंक्लाइन डंबल प्रेस। कभी भी इंक्लाइन डंबल प्रेस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लाइन डंबल प्रेस अपने अपर चेस्ट टारगेट एरिया है, अपर चेस्ट को हिट करता है, और इसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो डंबल को थोड़ा ट्विस्ट कर लीजिए। अब ट्विस्ट करके जब नीचे आएगा तो और ज्यादा अच्छा हिट देगा, कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन और कंट्रोल्ड रेंज में। तो ये रहने वाली है अपनी फर्स्ट वर्कआउट चेस्ट डे पे। 5 से 6 सेट मारेंगे लगभग 10 रेपिटेशन के साथ। तो चेस्ट डे पे सेकंड वर्कआउट रहने वाला है पैक फ्लाई, और पैक फ्लाई में दो चीज़ें ध्यान रखनी है, चेस्ट अप हेड अप, और आर्म जिस पोजीशन में आगे जाएगा पीछे जाएगा उसी पोजीशन में आगे आएगा। और सेकंड चीज़ ग्रिप, बहुत सारे लोग ये ग्रिप करते हैं, ये थंब आगे रहता है, थंब हमेशा थंब को पीछे ले जाओ और देखना इफेक्ट चेस्ट वर्कआउट में। थंब पीछे गया, फुल स्ट्रेच, फुल स्क्वीज, फुल स्ट्रेच, फुल स्क्वीज, तो चेस्ट ट्राइसेप पे जो सेकंड वर्कआउट, थर्ड वर्कआउट है वो अपना है फ्लैट बेंच प्रेस। 2-3 दिन के लिए अपनी मील प्रॉपर नहीं हो पाएगी, मतलब प्रोटीन सोर्स के साथ इसलिए नहीं हो पाएगी, जहाँ से अपन मतलब मैं अपनी डाइट मंगवाता था वहाँ पर रिनोवेशन चल रहा है किचन का, तो मील प्रिपेयर नहीं हो सकती। बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा मेरा प्रोटीन सप्लीमेंट से मैं मेरा प्रोटीन इंटेक फुलफिल कर पाऊँ। 1-2 प्रोटीन बार ऐड करनी पड़ेगी, अंडे बढ़ाने पड़ेंगे, बट बहुत कम कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं आज, तो थोड़ा एनर्जी में लो फील कर रहे हैं, बट स्टिल मैनेज टू हिट 40 kg डंबल प्रेस, 6 इजी रैप्स आ गए थे। थर्ड वर्कआउट है अपना फ्लैट बेंच प्रेस। फ्लैट बेंच प्रेस पे ग्रिप मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर रखी है, तो स्टार्ट करते हैं फ्लैट बेंच प्रेस। तो 4 जो मूवमेंट रहने वाला है वो प्रेस मूवमेंट है। प्रेस मूवमेंट में अपन इंक्लाइन बेंच हिट करेंगे। अपने को ज़्यादा फोकस अपर चेस्ट पे करना है, तो अपन ने पहले इंक्लाइन डंबल प्रेस लिया, फिर अपन अब कर रहे हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो चौथी एक्सरसाइज इंक्लाइन बेंच प्रेस है। एक फैक्ट बताता हूँ, कभी भी रेपिटेशन ज़्यादा वेट कम से फैट लॉस नहीं होता, बट ये फैक्ट है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड से आप मसल गेन ज़रूर कर पाएंगे। कोशिश करो भले 2.5 kg ऐड करो या फिर 2.5 lb ऐड करो आप अपने वेट्स में, बट हर सेट के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। थैंक यू सो मच। चेस्ट डे पे 5th जो एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी अपनी चेस्ट प्रेस। चेस्ट प्रेस पे मसल माइंड कनेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। थंब को अपना फिंगर्स के साथ ले जाएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जैसे मैं इस एक्सरसाइज में कर रहा हूँ। फोकस करो मसल माइंड कनेक्शन पे और चेस्ट के सेपरेशन पे। तो 5th वर्कआउट है चेस्ट प्रेस। तो चेस्ट के बाद जो अपना ट्राइसेप स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप पुश डाउन। ट्राइसेप पुश डाउन में एल्बो को स्टेबल रखो और फोकस करो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन पे। आप वीडियो पे फोकस करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मैं मेरे रिस्ट को मूव नहीं कर रहा हूँ, रिस्ट और एल्बो स्टेबल है। तो सेकेंड फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप की अपनी, ट्राइसेप पुश डाउन।
सेकेंड वर्कआउट रहने वाला है न्यूट्रल ग्रिप ट्राइसेप पुश डाउन, वन ऑफ माई फेवरेट वर्कआउट। और इस वर्कआउट में रिस्ट का बहुत बड़ा रोल आ जाता है अपनी ट्राइसेप को ट्रेन करने में। जब नीचे जाएगी रिस्ट अपनी तो रिस्ट रोटेट करेगी, रिस्ट थोड़ी रोटेट करेगी जैसा आप वीडियो में देख सकते हो। तो ये है सेकेंड वर्कआउट ट्राइसेप का, तीनों हेड ट्रेन करता है, बहुत मसल माइंड कनेक्शन के साथ बहुत अच्छा इफेक्ट देगा आपको ट्राइसेप पे। तो डे 63 अपना सक्सेसफुल रहा, चेस्ट ट्राइसेप 4 से 5 वर्कआउट चेस्ट के लिए है, 2 ट्राइसेप के और लास्ट में ट्राइसेप डायमंड पुशअप मार के खत्म किया है वर्कआउट। कंडीशनिंग चेक करो, बहुत सारी चीट हो गई थी कल रात को बट स्टिल मैनेज कि उतनी कैलोरीज बर्न कर ली है। देखो कंडीशनिंग, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। 4 लाख व्यूज क्रॉस कर लिए हैं और 900 सब्सक्राइबर भी हिट कर लिए हैं। सो ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, डेली फिटनेस व्लॉग आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल डे 64 के साथ। बाय।